जय जलाराम बापा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM PM टाइम्स। साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 35वां अध्याय। जलाराम बापा के प्रत्येक सेवा कार्यों में पत्नी वीरबाई का योगदान अनूठा था। सदा व्रत, अन्नदान, सेवा कार्यों का अभियान इनके सहयोग के बिना संभव ही न था। आने वाले अतिथियों की संख्या अधिक होने के बावजूद इन्होंने सदैव पूरी तन्मयता और प्रसन्नचित्त होकर हमेशा रसोई तैयार की। सदा व्रत अन्नदान का सिलसिला शुरू हुए अब 58 वर्ष हो चुके थे, लेकिन वीरबाई का उत्साह पूर्ववत कायम था। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई थी। वे तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी सदृश थी। तैयार की हुई रसोई में उनके प्रेम वात्सल्य का भी स्वाद समाहित रहता था। जलाराम बापा और वीरबाई दोनों का प्रथम उद्देश्य दीन दुखियों की सेवा करना ही था। प्रभु भक्ति और सेवा कार्यों के कारण वे गृहस्थ होते हुए भी सांसारिक मोह माया से कोसों दूर थे। जलाराम बापा द्वारा अपनी धर्मपत्नी वीरबाई को देवी मानकर उनके प्रति हमेशा श्रद्धा भाव रखना अनुयायियों के लिए प्रेरणादायक था। एक दिन ऐसा भी आया जो सबको रुला गया। इस हृदय विदारक क्षण की किसी को कल्पना भी न थी। अतिथियों, अनुयायियों, सेवकों और वीरपुर वासियों के लिए इस दिन का सूरज ताप नहीं बल्कि संताप लेकर उगा था। देवी स्वरूप वीरबाई ने बिस्तर पर ही अपनी अंतिम सांसें ली। उन्होंने इस मायावी संसार से सदा के लिए अपनी विदाई ले ली। लोगों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। रो रो कर सबका बुरा हाल था। वीरपुर के साथ आसपास के क्षेत्रों में भी यह शोक समाचार वायुवेग से फैल गया था। श्रद्धालु जन वीरबाई के अंतिम दर्शन के लिए वीरपुर उमड़ पड़े थे। हर कोई शोक संतप्त था। शोक में लोगों ने भोजन भी त्याग दिया था, लेकिन जलाराम बापा अपने प्रभु की इस इच्छा से अवगत थे। जीवन मृत्यु के गूढ़ रहस्य को वे भली भांति समझते थे।
इसलिए उनकी आंखें नम अवश्य थी, किंतु उनके चेहरे के भाव को पढ़ना आसान नहीं था। रो रो कर बेसुध से होने वाले अपने अनुयायियों को जलाराम बापा सांत्वना दे रहे थे। तो किसी को जीवन के सत्य से वाकिफ करा रहे थे। यद्यपि जलाराम बापा को इसका एहसास अवश्य था कि उनके सेवा यज्ञ में पत्नी वीरबाई की आहुतियां अत्यंत लाभकारी थीं, जिसका अभाव अब थोड़ी दिक्कत पैदा अवश्य करेगा, लेकिन प्रभु के इस कठोर फैसले के समक्ष वे भी विवश थे। वीरबाई जलाराम बापा की केवल जीवन संगिनी ही नहीं थी, बल्कि उनके सेवा कार्यों में बराबर की सहभागी भी थी। वीरबाई के बैकुंठ धाम प्रवास के पश्चात जलाराम बापा ने अपने यहां एक सप्ताह तक निरंतर रामधुन के साथ भजन कार्यक्रम जारी रखवाया। वीरबाई को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए श्रद्धालु जन इस भजन कार्यक्रम में परिवार समेत शामिल हो रहे थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इस गायन के दरमियान अनुयायियों को इन पंक्तियों में जलाराम बापा और वीरबाई की झलक दृष्टिगोचर हो रही थी। इस तरह 7 दिन तक जलाराम बापा के सानिध्य में भजन की पावन गंगा प्रवाहित होती रही और श्रद्धालु जन भक्ति के निर्मल शीतल जल से अपने तपते शोक संतप्त शरीर और अंतर मन को ठंडक देकर पवित्र करते रहे। समय का चक्र घूमता रहा, दिन बीतने लगे। जलाराम बापा ने अपना सारा जीवन घर संसार के बजाय सेवा और भक्ति संसार के नाम समर्पित कर दिया था। दीन दुखियों और अपने अनुयायियों को ही वे अपनी संतान मानते थे। यद्यपि पारिवारिक तौर पर उनकी एकमात्र संतान पुत्री जमुना बेन थी। जलाराम बापा का कोई पुत्र न था। उनकी इकलौती पुत्री जमुना बेन सर्वगुण संपन्न थी। पिताश्री जलाराम बापा की तरह वे भी भक्ति भाव से ओतप्रोत थीं। जलाराम बापा ने अपनी इकलौती पुत्री जमुना बेन का विवाह अत्यंत सादगी पूर्ण तरीके से कोटड़ा पीठा निवासी जसु माँ के पुत्र भक्ति राम के साथ किया था। जमुना बेन के 2 पुत्र काणा भाई और रामजी भाई थे। जमुना बेन के बड़े बेटे काणा भाई में तुलनात्मक रूप से भक्ति और सेवा भाव अधिक था। वे एक संत पुरुष के सदृश थे।
प्रभु भक्ति और सेवा का वातावरण उन्हें अच्छा लगता था, इसलिए वे वीरपुर गांव में अपने नाना जलाराम बापा के घर में ही रहते थे। काणा भाई की चार संतानें थी, पुत्र हरिराम बड़े थे, जबकि तीन पुत्री क्रमशः कुंवरबा, रामबा और कृष्णीबा थी। काणा भाई के छोटे भाई रामजी भाई की कोई संतान नहीं थी। काणा भाई के पुत्र हरिराम बाल्यकाल से ही मेधावी, दयालु और प्रभु भक्त थे। जलाराम बापा अपने इकलौती संतान जमुनाबेन के पोते हरिराम को बेहद पसंद करते थे। वह जलाराम बापा के मनमानस में वात्सल्य भाव से प्रतिस्थापित हो गए थे। हरे राम को ही अपना उत्तराधिकारी बनाने जलाराम बापा ने तय कर लिया था। वे अपने मन की इच्छा को सार्वजनिक तौर पर जाहिर करने के सही अवसर की प्रतीक्षा में थे। दिन बीतते गए, बालक हरिराम की उम्र बढ़ने लगी थी। आयु के साथ साथ उसकी बौद्धिक परिपक्वता और सद्गुणों में भी बढ़ोतरी हो रही थी। पढ़ाई के प्रति लगन होने के बावजूद प्रभु भक्ति में उसका मन अधिक लगता था। जलाराम बापा उसकी हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखते थे, इसलिए वे आत्मसंतुष्ट और निश्चिंत थे। हरिराम भविष्य में भी उनके द्वारा जारी सेवा कार्यों की अलख जागृत रख सकेगा, ऐसी उम्मीद उन्हें थी। हरे राम ने अब तक 12 वसंत देख लिए थे। एक दिन फिर वह गौरवमयी अवसर भी आ गया, जिसकी जलाराम बापा बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। सुबह का वक्त था। हरी राम नित्य कार्य से निवृत्त होकर स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहा था, तब जलाराम बापा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा हरी राम कहाँ जा रहे हो? तब हरी राम ने जलाराम बापा के चरण स्पर्श करते हुए जवाब दिया, बापा विद्यालय जा रहा हूं, मेरे लिए कोई आदेश हो तो बताइए। जवाब सुनने के बाद जलाराम बापा क्षण भर के लिए विचार मग्न हो गए, मानो वे प्रभु श्री राम से कोई गंभीर विचार विमर्श कर रहे हो। अगले ही पल उन्होंने हरे राम के सिर पर स्नेह पूर्वक हाथ फेरा और आदेश पूर्ण लहजे में बोले, बेटा हरी राम, आज से तुझे अब विद्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे आज से ही यहां सेवा कार्यों का उत्तरदायित्व संभालना है बेटा। आज से ही तू मेरा वारिस है। जलाराम बापा का यह निर्णय सुनकर
हरिराम चौंक गया। उसे सुखद आश्चर्य भी हुआ, लेकिन जलाराम बापा से इस विषय में जिज्ञासावश कोई पूछताछ करने का साहस उसमें न था, इसलिए तत्काल उसने अपनी सहमति देते हुए हाथ जोड़कर कहा, बापा यह मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे इस उत्तरदायित्व के योग्य समझा। बापा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका प्रत्येक सेवा आदेश मेरे प्राणों से अधिक प्रिय होगा बापा। जलाराम बापा उसके विचार सुनकर प्रसन्न हो गए और उसे अपने गले से लगा लिया। जलाराम बापा की ऐसी जमीन जायदाद या अकूत संपत्ति नहीं थी जिससे उन्हें वारिसदार की आवश्यकता पड़ गई हो। दरअसल उन्होंने तो हरे राम को दीन दुखियों की सेवा करने वाला उत्तराधिकारी ही बनाया था। भूखे जनों का पेट भरने और उनके दुख दर्द दूर करने का वारिसदार बनाया था। सदाव्रत अन्नदान अभियान को उनके न रहने के बाद भी जारी रखने का वारिसदार हरिराम को बनाया था। जलाराम बापा ने हरिराम को वास्तव में कुछ पाने का नहीं बल्कि दूसरों को देने का उत्तराधिकारी बनाया था। जलाराम बापा द्वारा हरिराम को अपना वारिस घोषित करने की खबर तेजी से चारों तरफ फैल गई। सभी ने जलाराम बापा के इस फैसले को सराहा। जलाराम बापा के आदेश का पालन करते हुए हरिराम ने उसी क्षण सेवा कार्यों को ज्ञान की किताबें मानकर अपना लिया, विद्यालय जाना छोड़ दिया। जलाराम बापा के सेवा घर को ही उसने अपना विद्यालय मानकर सेवा कार्यों में लगन से जुट गया। सदाव्रत अन्नदान कार्य में सहयोग उसका नियमित अध्ययन सदृश बन गया। खाली समय में हरिराम धर्म ग्रंथों को पढ़ने लगा। इस तरह खाली समय का भी सदुपयोग होने लगा। फिर तो हरिराम को प्रभु का प्रसाद ऐसा मिला, वह हृदय से श्री राम का सच्चा भक्त बन गया। वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत गीता आदि धर्म ग्रंथ उसे कंठस्थ हो गए। जलाराम बापा के जीवन आदर्शों को भी उसने आत्मसात कर विचार और व्यवहार में प्रयुक्त करना प्रारंभ कर दिया था। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा।